हेलो गाइस, ये देखिए मैंने आज मलाई से घी निकाली हूँ। तो ये घी के निकलने के बाद जो इसके मावे बच जाते हैं ना, इसका मैं आज आपको मिठाई बनगा के दिखाऊंगी। तो ये सारे मलाई को मैंने एक सस्पेन में कढ़ाई गरम करके मैंने उस पर डाल दिया है। अब मैं इसकी मिठाई बनाऊंगी, तो मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगी वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ये देखिए मैंने इतने सारे घी निकाले हैं, अब इस घी से बचे हुए मावे का मैं मिठाई बना रही हूँ। इधर निकालने के बाद जो उसके मावे बनते हैं उसके अच्छे खासे मिठाई बनाकर घर पे बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये रहे मेरे, अभी भी इससे घी निकल ही रहा है, देखिए अभी भी इससे और बहुत सारे घी निकल रहे हैं। तो इस तरह मैं घर पे मलाई जमा करके ही ज्यादातर घी बनाती हूँ, घर का शुद्ध घी। ये देखिए गाइस, मैं इसमें नारियल का पाउडर मिलाऊंगी। इस तरह से मार्केट में मिल जाते हैं, आप हो सके तो आप सूखा नारियल भी घर में ये क्रश करके डाल सकते हैं, बट मैं पाउडर डालूंगी तो मिठाई में अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने इसमें सूखा नारियल का पाउडर मिला दिया है, अब मिठाई बहुत टेस्टी बनेंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब मैं इसमें हरी इलायची को इसके बीज को अच्छे से पीस के फिर मैं उसको डालूंगी इसमें, तो अच्छी खुशबू आएगी। हरी इलायची का पाउडर थोड़ा सा मिला दिया ताकि इसमें इलायची की खुशबू अच्छी लगती है मिठाइयों में, तो मैंने इसमें अभी ऐड किया है। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर। ये देखिए मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, अच्छी तरह इसको शुगर को मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। चीनी आप अपने हिसाब से ज्यादा कम डाल सकते हैं, आपको जैसा मीठा पसंद है आप वैसा डालिए। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब ये आपको ऐसे ये खुद ब खुद ये यहाँ से पेन से ये अपने आप जब पूरी पूरी तरह से छूटने लगेगा तब समझ जाएगा ये तैयार हो गया। फिर मैं इसको अगले प्रोसेस में जाऊंगी। अब इसमें मैं एक मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। मिल्क पाउडर से ये बहुत अच्छा इसमें ये आ जाता है। ये देखिए मिल्क पाउडर से इसमें बहुत अच्छी टेस्ट आएगी, तो मैं अब इसमें एक पैकेट मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। ये देखिए मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी, ये बन के बहुत टेस्टी बनती है, आप भी ट्राई करके देखिएगा, मस्त बनेगी ये सब मिठाइयाँ। ये देखिए गाइस मैंने इसमें मिल्क पाउडर मिला दिए हैं, सारे कुछ मिला दिए। इसमें मैंने ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं डाला है, बस थोड़ी सी चीनी स्वाद अनुसार, मतलब अपने। ये देखिए पूरा ये बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको इस तरह के एक केक टिन ले लूंगी, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा बर्तन हो तो आप उसमें इसको डाल के थोड़ा जमने के लिए छोड़ दीजिएगा। टिन में इसको डाल लूंगी, केक टिन नहीं आप कोई भी बर्तन में डाल सकते हैं, बस ये जम जाना चाहिए अच्छी तरह से। इस तरह से आप इस तरह से डाल के इसको सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, ये पूरे सेट हो जाएंगे, जम जाएंगे पूरे मिठाई। उसके बाद मैं इसको पीस पीस अच्छी तरह से इसको शेप में काट के किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर खा सकते हैं। गाइस कितना सुंदर ये सेट हो गया है, अब मैं इसको शेप में काट लूंगी। ये देखिए हमारा मिठाई तैयार है। मैंने पहले घी निकाल लिया, फिर उसके मावे से मैंने इतने अच्छे खासे मिठाई बना दिए। ये देखिए मेरे पास ये कॉफी का एक बॉटल खाली था, तो मैंने इसमें घी डाल दिए, ये लगभग 100 ग्राम है, तो आज मैंने 100 ग्राम घी निकाले। ये देखिए कितने सुंदर घर का शुद्ध घी और साथ में ये टेस्टी टेस्टी मिठाई। थैंक यू।